नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड के विधायक जो रायपुर के मेफेयर होटल में रुके हुए हैं, आपकी दिलचस्पी होगी कि इस वक्त वो कर क्या रहे हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त डिनर टेबल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन विधायकों के सामने स्पीच दे रहे हैं, और वो स्पीच हिम्मत न हारने की है। और भी बहुत कुछ है जो वो बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कांग्रेस क्या पार्टी है, हमें क्यों बीजेपी के खिलाफ एकजुट रहना है, आदि आदि। लेकिन हर किसी का इंटरेस्ट इस बात पर है कि उस डिनर टेबल पर क्या क्या है। शराब तो पकड़ी गई, उत्पाद विभाग की सरकारी गाड़ी से होटल के अंदर जब शराब जा रही थी तो गेट पर मीडिया कर्मियों ने उसे देख लिया और विजुअल भी बनाया। उसके बाद वो शराब लदी बोलेरो वापस चली गई। पर ऐसा नहीं है कि सारी कहानी खत्म है, अभी बहुत सारे इंतज़ाम हैं और इंतज़ाम हो भी जाएगा, आप इशारा समझ रहे हैं। तो भूपेश बघेल की स्पीच का क्या असर होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन भूपेश बघेल 31 तारीख को शिमला जा रहे हैं, वहाँ उनका 2 दिन का प्रवास है। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है। आपको ये जानकारी होगी कि जम्मू कश्मीर के 62 शीर्ष कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, उनसे मिलने 2 मुख्यमंत्री और 1 सीनियर नेता पहुंचे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और एक और बड़े नेता जिनका नाम मैं इस वक्त नहीं लूँगा, वो वहाँ पहुँचे हैं। एक तो ये खेमा है पुराने नेताओं का, दूसरी ओर एक और कोल्डवार है। कोल्डवार ये है कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। 4 नेताओं ने इसके लिए इंटरेस्ट दिखाया है। अशोक गहलोत तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नेता की हो रही है वो है शशि थरूर। शशि थरूर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। पर हमारा आज का विषय ये नहीं है। हमारा आज का विषय है कि झारखंड में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में। कल राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम दुमका पहुंचने वाली है, वो दिल्ली से चली है, अंकिता के परिजनों से मुलाकात करेगी और ये मामला और गर्माने वाला है। दूसरा मामला ये है कि बाबूलाल मरांडी की विधायकी जाने वाली है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में यही होता है। उनके मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 1 तारीख को जो सुनवाई होगी वो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर होगी। जो फैसला भले ही स्पीकर कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, लेकिन तमाम आशंकाएं या इशारे, सूत्र, आप जो भी कहें, नेता इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी की विधायकी शायद समाप्त हो जाए। और इस बारे में जब बाबूलाल मरांडी के एक बेहद नज़दीकी नेता से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, हम तो चाहते हैं कि स्पीकर जल्दी करे जो भी करना है। अगर ये सच है, अगर ये आशंका सच है, तो इसे पलटवार के रूप में भी देखा जाएगा। अगर मुख्यमंत्री की विधायकी जाती है तो इधर बाबूलाल मरांडी की भी विधायकी की जाएगी। अगर सत्ता पक्ष के बसंत सोरेन हो, मिथिलेश ठाकुर हो, इनकी विधायक जाती है तो विपक्ष के कहां के विधायक समरी लाल की भी विधायकी की जाने के चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर वार पलटवार हो रहा है और इस बीच झारखंड की जनता सिर्फ टकटकी बांधे देख रही है कि हम आगे क्या होगा। राजनीति में ये स्थिति ठीक नहीं है। ये इस लिहाज से ठीक नहीं है कि कुछ विधायकों ने अभी से ही आवाज़ उठाने शुरू कर दी है। सामने खुले तौर पे कोई नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ विधायकों का कहना था कि हम चुनाव जीतकर आए हैं, हमें जनता को जवाब देना है, हमें जनता के बीच रहना है, और अगर हम में से कुछ को हमारे दूसरे राज्य में अगर किसी होटल में बंद कर दिया जाएगा, अगर हम में से कोई कलकत्ता में दिन कट रहा है तो जनता किसके पास जाएगी। एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस में कुछ हलचल है।
और ये हलचल झारखंड में है। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में इस हलचल की गूंज आपको ज़रूर सुनाई देगी। जाहिर है वो हलचल सियासी है और हो सकता है कि कांग्रेस में कुछ बड़ा हो। फिलहाल उस बड़ा होने का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, आप भी करते रहिए, पर ये ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। ये जो हलचल होगी वो जल्द ही आपके सामने आ जाएगा, तो इंतज़ार करें। नमस्कार।